अभी बच रहे सुबह का 5:30। तो मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत दिनों गैप हो गया था, तो हेल्थ को भी थोड़ा चाहिए ना वर्कआउट। तो सो वही देखते रहना, सुबह का बच रहा आज 5:30, बहुत जल्दी उठ गया। एंड अभी चलते हैं फटाफट से, हम अकेले है, कोई तो है नहीं। और अच्छा लगे, आप लोग देख रहा होगा फेस में धूप भी लग रहा है। सो फटाफट से चलते है, थोड़ा के आना है एंड थोड़ा सा वहाँ जाके क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा मेडिटेशन भी करना है हमको। सो कल शाम से दौड़ने गया था, तो बांधे रहना, देखते रहना। अभी सुबह सुबह मज़ा भी लगता है दौड़ने के लिए, ठंडा भी है बट कुछ नहीं। सो या आप सब भी मस्त होंगे। सो गाइस फाइनली अभी मंदिर पहुंच चुका है, तो देख सकते हैं एंड देख सकते हैं आज का सुबह का व्यू, मौसम कैसे सुबह सुबह ऐसे कुछ बढ़िया है सुबह का मौसम ना। फाइनली मेरा ईयरबड्स निकल चुका है, अभी हम इसको लगाना है, देन हमको दौड़ना है। अभी 6 मतलब 6 तो नहीं बजे। सो मिलते हैं अभी मैं दौड़ने के बाद में, क्योंकि दौड़ने टाइम पर तो दिखा नहीं पाऊँगा। अभी इसको कान में लगाता हूँ, देन फटाफट से यहाँ से इतना हमको ज़्यादा नहीं दौड़ना है, 3-4 किलोमीटर जैसे दौड़ना है, क्योंकि अभी नहीं दौड़ेगा, पहले ये लगा के यहाँ से 1 किलोमीटर जैसे दौड़ेगा एंड थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन करेगा, देन उसके बाद दौड़ेगा। पहले तो डायरेक्ट दौड़ता था, लेकिन अभी हम कैसे लगते हैं कि थोड़ा मतलब मेडिटेशन भी करना चाहिए कि नहीं। सो यार मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। सो गाइस दौड़ रहा हूँ अभी, एक जगह पे कुछ नहीं आया, देन वहाँ जाके थोड़ा मेडिटेशन करना है, देन उसके बाद में फिर दौड़ के नीचे आना है। ज़्यादा नहीं दौड़ेगा, शाम को भी दौड़ना है ना, अभी थोड़ा मेडिटेशन कर लेगा बोल के। सुबह का टाइम को मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सो या मौसम देख सकते आप लोग, कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। तो अभी हम मेडिटेशन करने के लिए आया था, ये गोम्पा साइड का रास्ता में, तो यह पहुँचने वाला अभी हम, अभी थोड़ा मेडिटेशन कर लेगा देन शाम को दौड़ेगा अच्छा से। गाइस मेडिटेशन भी करके यहाँ थोड़ा नीचे तक दौड़ने गया था, तेंगा से थोड़ा नीचे। तो यह देख सकते हैं अभी हम दुर्गा मंदिर पहुँचे हैं। आया यू देखो गाइस, सुबह का इतना सुंदर लगता है ना। तो अभी यहाँ से और दौड़ के जाने हैं हमको थोड़ा ऊपर, वहाँ में थोड़ा वर्कआउट करना है, देन उसके बाद में घर जाएगा। टाइम भी अभी कितना 6 ज़्यादा हो चुका है, 6:30 होने वाला है, तो थोड़ा दौड़ के भी आएगा, देन थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा वर्कआउट करेगा, देन उसके बाद घर जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा काम भी है मेरा, थोड़ा खेती जाएगी, टमाटर भी तोड़ना है। देन एक भाई का पापा गुजर गया था, तो उसका अभी लकड़ी ख़त्म हो गया बोला था, तो लड़का लोग आज लकड़ी भी काटने जाएगा अगर। सो अभी हम पहले खेती जाएगा, देन उसके बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी करके वहाँ से हम सीधा लकड़ी काटने चलो जाएगा। सो यार फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ पे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि यह आर्मी का लाइन है, तो आर्मी का लाइन में थोड़ा वर्कआउट करेगा, थोड़ा सा थक गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसका वर्कआउट करके जल्दी जल्दी घर चला जाएगा बोल के। वर्कआउट मतलब ऐसे थोड़ा पुशअप पुलअप एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग, बदन को स्ट्रेचिंग करना है। सो यह शुरू करते हैं, फ़ोन यहाँ में रख देगा, आप लोग देखते रहना कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे स्ट्रेचिंग करते हैं। सो मिलते हैं। तिम्रे मन को घर में
सबै भावना राखेर भावनाहरू त उडी जान्छ तिमीलाई हेरेर राखेछु तिम्रै मायाको डोरीले फेरेर उठै बसेर मुस्कुराउनु हो माया तिमीलाई हेरेर रमाउनु हो माया बरालिने मन त हो यादले जीवन सजाउनु हो माया तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल क्योंकि हमने बोला था सुबह आप लोग को लकड़ी काटना जाने है वो भाई का क्योंकि कल पूजा है। सो यह मेरा दोस्त लोग जा रहे हैं एंड हम लोग का यह ऐसे होते देखिए जंगल थोड़ा इतना घने जंगल भी नहीं है। घने जंगल के लिए तो आप लोग को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। यह आगे मेरा तो बब्बर शेर जा रहे वो लोग मालूम नहीं क्या देख रहा होगा। तो हम लोग का यह सांप मिला था अभी इतना बड़ा एक ठू डर लग गया हम सच का मिला था क्या झूठ बोले इतना बड़ा एक टूटा भाग्य हो हम लोग उधर अरे ये पानी हम लोग पीने के लिए ज़्यादा नहीं हम लोग चार आदमी जा रहे तो ये हम लोग का ये यार लोकल का क्या बोलते मोटो इसको लोकल से क्या बोलते टोकरी को हाँ इसको टोकरी को ये लकड़ी बुकने वाला हम लोग का यू लोकल भाषा से बोलते यूं हम लोग यहाँ से ट्राइबल भाषा से बोलते यूं। एंड आप लोग कौन सा जगह से देख रहा होगा आप लोग भी कोई ट्राइब से बिलोंग करते होने से प्लीज़ कमेंट करके बोलना इसको आप लोग का जगह से क्या बोला जाते। सो देखते हैं मैं आप लोग का कमेंट। सो अभी कुछ नहीं आला है थोड़ा रेस्ट करते करते जाएगा। सुबह में आया कोई चप्पल सुबह क्या बोलते वर्कआउट करके आया घर में उसका बाद में या भैया लोग ने फ़ोन किया दिन उसका बाद में फटाफट यह आ गया क्योंकि फटाफट जाने से फटाफट हम लोग दिन में इतना ये नहीं होगा ना दिन में बहुत ज़्यादा धूप देते तो गाइस बने रहना देखते रहना। इन्हें गाइस अभी हम लोग यहाँ लकड़ी सूखा मिल चुका था मिल चुका है उसको काट रहे हैं अभी टुकड़ा होने वाला है यहाँ देख सकते हैं बिग ब्रदर ने कैसे काट रहे बिगेस्ट ब्रदर्स। अभी मौसम भी दिन का बहुत ही ज़्यादा धूप है दिन तो नहीं बोलेगा अभी 11 ऐसे बस नहीं आ रहा है तो लकड़ी पूरा सूख गया है इसको काट रहे और ये देखो पूरा FB में मैसेज कर रहे किसको मैसेज कर रहे हो तुम दोस्त मैसेज करना तो क्या कर रहे हो तुम फोन देख के क्या कर रहे इसने कर रहे अभी वीडियो देख वो तो बहुत मेहनती है ना दोस्त देखो गिरिया गाइस पूरा मजा से गलत जगह दिखे सरे हिप हिप गलत जगह क्या है अच्छा तो जगह गिरा यहाँ तरफ देख सकते पूरा ऐसे मतलब गुफा वुफा ऊपर जाएगा तो पूरा पानी जमा वाला हमें गुफा लोग भी मिलेगा और आप लोग हमें क्या बोलते तपस्या करने वाला जगह लोग भी बहुत है। अभी हम इसको टुकड़ा करके दें उसका बाद में फटाफट यहाँ से चला जाना मतलब इसको मतलब काटते रहेगा फिर पहुँचाते रहने से जल्दी हो जाएगा ना। तो मेरा देखो भाईजान भाईजान थक गया क्या हम काटेगा बोले काटने नहीं दिया वो क्यों विजय सांप ऐसे यार गंदा गंदा बात तो मत करो वो लोग सुबह नाम जैसे था देखो ना फिर क्या ही बोलोगा इसने आप लोग ही बोलते क्या ही बोलूं तो मिलते हैं अभी थोड़ा लकड़ी काटने के बाद लकड़ी तो वो काट रहे अभी मेरा भी ट्रन आएगा नाम भी जाएगा काटने के लिए।